हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल, और जिस तरह से मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि कौन से तोते जो हैं वो टेम हो जाते हैं, किस एज में टेम हो जाते हैं, जैसे रॉ हो गए और ग्रीन रिंग नेक हो गए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कितना बड़ा बच्चा टेम हो जाता है और उसको टेम करने का आसान तरीका क्या है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच से अगर आप कोई चीज़ मिस कर देंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हरा मिट्टू है और ये तकरीबन जो है 6 महीने का हैगा, ठीक है। ये तोता, ये देखें, अभी ये इधर उधर भाग रहा हैगा, सही है। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ देखनी होती है, आपने तोता काटे ना, जो तोता नहीं काटता वो टेम हो सकता है। ये देखें, ये काट नहीं रहा है, ठीक है, और ये फीमेल है, सही है। ये देखें, ये काट नहीं रहा है, तो इसको जो आप टेम करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, अगर तोते के पर ज़्यादा कटे हुए हैं या किसी तौर पे किसी ने गलत काट दिए तो कोशिश करेंगे करिएगा कि ये नीचे ना गिरे, सही है। ये नीचे गिरेगा तो इसके चोट लगती है सीने पे, क्योंकि जब पर गलत कटे होते हैं तो। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर टेम नहीं है, सही है ना। पिंजरे में से मैं इसको लूँगा दोबारा तो ऐसा लगेगा जैसे ये जंगली तोता है, ये देखें, और ये चीखेगा भी। अक्सर लोग जो है वो डरते हैं कि यार इस तोते को हम पकड़ेंगे तो ये कहीं काट ना ले, तो ये देखें, ये काट नहीं रहा, लेकिन ये टेम नहीं है। इसको टेम करने का तरीका बहुत आसान हैगा, सही है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको बिठा लिया है, सही है, डर है थोड़ा सा इसमें, लेकिन ये देखें, ये गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन ये है कि काट नहीं रहा है। अगर ये थोड़ा सा काटता भी है तो जैसे मिसाल के तौर पर, तो आप इसको पनिश के तौर पर ऐसे डराएंगे, ठीक है, ऐसे डराएंगे, हल्के से मारेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि आप इसको आराम आराम से इसको हाथ पे लेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कि बाइसाइकिल टाइप की, एक हाथ से दूसरे हाथ पे, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम देना है और इस तरह से देना है ताकि ये टेम अच्छा हो। अगर खाली आप यूँ करते रहेंगे इसको तो ये टेम तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पर फिर ये सर पर हाथ नहीं फेरने देगा। ये देखें, जैसे इसके थोड़ी हेजिटेशन है, ये कर रहा है, फिर ये काटने लगेगा आपको। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारा तोता हाथ पे तो बैठ रहा है लेकिन हमारा तोता काट रहा है, तो इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है, ऐसे करना है। तो इस तरह के आपके तोते ट्रेंड हो जाते हैं। इसमें मैं इंशाल्लाह जो है दो तीन पार्ट बनाऊंगा, सही है ना। एलेक्जेंड्राइन भी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि जो तोता थोड़ा सा डर रहा होता है उसको किस तरह से आप ट्रेंड कर सकते हैं। इसमें एक और भी मैं आपको 3 पार्ट बना के दिखाऊँगा कि जो ज़्यादा डर रहा हो उसको कैसे ट्रेन करते हैं, पहाड़ी को कैसे ट्रेन करते हैं। तो ये जो है मेरा बेबी पैरेट मतलब कैसे टेम होगा, या जो भी इसका टाइटल होगा, उसके 1, 2, 3 पार्ट आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन करना होता है तोते को, और किस तरह से आपका तोता अच्छा टेम हो सकता है। उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने तोते को जब भी हाथ पे लेना है उसको इस तरह से, और इसके लिए 3 महीने ये अहम है, ये 2 से 3 महीने जो है। और अगर आपने इसको 10 दिन या 15 दिन छोड़ दिया तो समझे ये जंगली होना शुरू हो जाएगा, फिर ये ना ही तो अच्छा टेम तोता बनेगा, ना ही अच्छा टॉकिंग पैरेट बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर मेरी इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो इस पर एक लाइक कमेंट, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।